श्री रामदास अठावले जी मिनिस्टर सर, ये आरटीआई के बिल पर चर्चा हो रही है और मेरी पार्टी का नाम है आरपीआई, तो मुझे बार बार सुनने के लिए आ रहा है कि आरपीआई मतलब आरटीआई पर ये चर्चा हो रही है। अच्छी बात है, ये कानून यूपीए के टाइम पर बना था 2005 में। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि ये अमेंडमेंट बिल है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अमेंडमेंट बिल है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब शांति से सुनो मेरा भाषण। एनडीए की सरकार चाहती है मजबूत भारत नेशन, एनडीए की सरकार चाहती है मजबूत भारत नेशन, क्योंकि हमें खत्म करना है गरीबों का शोषण। तो जो यहाँ करप्शन हो रहा है, शोषण हो रहा है, मानव के अधिकार पर मतलब कब्जा करने का काम हो रहा है, दलित पर अत्याचार हो रहा है, बोलिए 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 बोलिए, शांत रहिए शांत रहिए। मतलब ये सब हो रहा है तो इसको खत्म करने के लिए ये जो सूचना का जो अधिकार है, नहीं सूचना का जो अधिकार है, ये अधिकार ये कानून आपने बनाया था, लेकिन उसको अमेंडमेंट करने की जिम्मेदारी हम पर आई है, क्योंकि इस कानून को और भी मजबूत करने के लिए जो मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो कार्यकाल 5 साल का होता है, तो उसका अधिकार भारत सरकार को मिलना चाहिए। अगर वो अधिकार बढ़ाना है तो बढ़ाने के संबंध में जो अमेंडमेंट आई है, और ये कानून और भी मजबूत हो जाएगा। कानून तो मजबूत होते हैं, कानून हम करते हैं, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों पर है। करप्शन खत्म करने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। संजय सिंह जी बोल रहे थे कि भाई इधर घोटाला हुआ, 2G का घोटाला हुआ, ये घोटाला हुआ, लेकिन घोटाला वाले सब आपके तो सामने बैठे थे। नहीं, घोटाला हुआ ठीक बात है, मतलब घोटाला हुआ कोई भी हो, घोटाला नहीं होना चाहिए। मतलब हमारा घोटाला हो या तुम्हारा घोटाला हो, और आपका घोटाला हो गया इसीलिए हम लोग इधर आए हैं। आप लोगों का घोटाला नहीं होता था, ये 2G स्पेक्ट्रम है, कोयला है, सब है, मतलब ऐसे घोटाले सामने आ गए, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला। और मैंने भी सोचा कि तुम्हारे साथ रहने से क्या फायदा है, घोटाले में ठीक बात है। तो इसीलिए मतलब ये जो कानून है, मेरा कांग्रेस पार्टी को निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को मानती है, कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के संविधान को मानती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को आप मानते हैं, तो अगर आपकी जिम्मेदारी ये है कि जब भी कोई बिल आता है उसको मतलब हंगामा करने से क्या फायदा है, मतलब हंगामा करने के लिए हम लोग इधर आए नहीं, बाहर जाओ हंगामा करो। लेकिन यहाँ हंगामा करने के बजाय आपकी जो सूचनाएं है, जरूर मोदी सरकार जो है, ये मोदी सरकार आपकी जो भी मतलब जो सूचनाएं है, जो भी आपके जो अमेंडमेंट के संबंध में जो भी आपके सुझाव है, उस सुझाव को स्वीकारने के लिए हमारी सरकार तो तैयार है, क्योंकि हमको मौका मिला है 2019 में मौका मिला है, और भी हमको बार बार मौका मिल सकता है। आप उधर ही रहेंगे तो हम इधर ही रहेंगे, तो मतलब इसी तरह जो काम है, तो इसीलिए आप लोगों ने बिल अभी पास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए अभी अधिवेशन का कार्यकाल भी बढ़ाने के बारे में हमारी सरकार विचार कर रही है। आप लोग बोल रहे भाई 100 दिन का काम होना चाहिए, 100 दिन नहीं तो 125 दिन हम इधर पर बैठेंगे। मतलब हमारी सरकार लोकतंत्र को मानती है, और कोई मतलब भागने का कोई हमारा विचार नहीं है। कितना भी हंगामा करो हमारा काम चल ही रहा है, हम तो काम चलाते रहेंगे, लेकिन अभी आप लोग हंगामा ज्यादा नहीं कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आपने आज हंगामा किया, और आपका कहना है भाई सिलेक्ट कमेटी के पास भेजो, तो नहीं सिलेक्ट कमेटी के पास भेजो, आपका कहना है तो हमारी कमेटी इलेक्ट कमेटी है, हमारी कमेटी इलेक्ट कमेटी है, फिर हम सिलेक्ट कमेटी के पास क्यों भेजेंगे।
ठीक है, मतलब आनंद जी, मतलब आप तो सीनियर आदमी है, आप हमारे अच्छे मित्र भी हैं, रामदास जी आप उधर भी रहे इधर भी रहे, तो हम अपनी तो दोस्ती हमेशा रहेगी, दोस्ती में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली दोस्ती अलग थी, अभी की दोस्ती अलग है। हाँ, तो इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए हम सब लोगों ने, जो मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मेरी जो आरपीआई है, ये आरपीआई आरटीआई का पूरा सपोर्ट करती है, और जो ये अमेंडमेंट बिल आया है, इसको पूरा समर्थन करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मैं आखिर में इतना बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ला रही है आरटीआई, मोदी सरकार बिल ला रही है आरटीआई, उसका सपोर्ट करो मेरे कांग्रेस भाई, मोदी सरकार ला रही है बिल आरटीआई, उसका सपोर्ट करो मेरे कांग्रेस भाई, कांग्रेस को जनता ने किया है बाय, श्री कनक मेडला कांग्रेस को जनता ने किया है बाय, क्योंकि मोदी जी पर खुश है गांव गांव की माए, और इसलिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, और आप सब लोग सपोर्ट करिए, ये बिल पास करो, और 15 दिन इधर अपने को बैठना है, और बिल बहुत सारे पास करने, इसीलिए मतलब हम मिलकर अच्छी तरह काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से ये बिल का समर्थन करता हूँ, आरपीआई की ओर से आरटीआई का समर्थन करता हूँ। जय भीम।